नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अन्वेषक न्यूज में। क्या कहा है आज मुख्यमंत्री जी ने, सुनते हैं पूरा समाचार। सरकार बनने के बाद उन संकल्पों को, एक एक संकल्प को हमने जीवन का व्रत मानकर पूरा करने का कार्य किया। और अब जब हम लोग 2022 के लिए एक नए लोक कल्याण पत्र के लिए सुझाव आपका, संकल्प हमारा इस भाव के साथ आए हैं, तब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है और उसकी एक झलक आपको यहाँ पर देखने को भी मिली है। और आपने विगत हर वर्ष, ये पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी किया था। जिस सरकार ने 100 दिन के साथ 3 महीने के कार्यकाल के बाद फिर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1 वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 2 वर्ष में भी अपना रिपोर्ट जारी किया, 3 वर्ष में भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया और 4 वर्ष में भी, फिर 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया। कहा कि हमने जो कहा था वो तो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं करी। फर्क साफ है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे थे अन्वेषक न्यूज। अभी आपने सुना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि हर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहें। साथियों, आपको बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी वादा निभाओ, योगी जी बताएं पापा 7,000 में घर कैसे चलाएं, ये मुद्दा है अन्वेषकों का। और आज तक 2007 से लगातार नियमित कार्य कर रहे हैं और 7,000 ही मानदेय मिल रहा है। आपने कहा कि हमने संकल्प पत्र में किए गए हर वादे को पवित्रता से व्रत की तरह पूरा किया है, लेकिन महाराज जी यहाँ पर आपसे निवेदन के साथ कहना चाहेंगे, अनुदेशक आज भी परेशान हैं, हताश हैं और अवसाद के ग्रस्त हैं, अवसाद ग्रस्त हैं वो, उनका कोई भी कल्याण आज तक नहीं हुआ है। आपसे उम्मीद लगी हुई है और आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द हम सभी लोगों को नियमित करें, क्योंकि आपकी ही सरकार के बड़े लीडर राजनाथ सिंह जी ने 2016 में कहा था, वादा किया था एक रैली में जो कि लखनऊ में हुई थी, झूलेलाल मैदान में, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनते ही हम अनुदेशकों को नियमित करेंगे। महाराज जी आज 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, आगामी चुनाव आने को है 2022 का, लेकिन आज तक अनुदेशक अभी तक नियमित नहीं हुए हैं। लगातार वो अपने तन मन धन से लगे हुए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, गुणवत्ता शिक्षा के लिए और अन्य सभी कामों में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राष्ट्र निर्माता अन्वेषक आप देख रहे हैं, लगातार हर तरह के कार्य जो भी बेसिक का शिक्षा विभाग में दिए जाते हैं वो बखूबी अन्वेषक उसको निभा रहे हैं और अंजाम दे रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग को, देश के नौनिहालों को। साथियों, ये सच्ची राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, लेकिन उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया, यही दुख है। इस दुख का समाधान आप जल्द करें। साथियों, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय।